स्टेशन घूमने चलेंगे, तो अपने पापा से इस बारे में बात करना और मैं भी अपने पापा से। अगर तेरे पापा हाँ कर दे जल्दी से जल्दी कॉल करके बताना। चल शाम को मिलते, बाय बाय। पापा मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। पापा अपन इस गर्मियों की छुट्टी में हिल स्टेशन में घूमने चलेंगे। ओके बेटा। हाँ हाँ मुझे 15 दिन के लिए छुट्टी चाहिए रहेगी। हाँ मैं परिवार के साथ घूमने जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है बेटा, मैं छुट्टियाँ ले लिए तुम पेंगे। ये हाँ, इस बार अपन गर्मियों की छुट्टी में घूमने चलेंगे। ठीक है बेटा। निशा भी चलेगी। ओके बेटा, मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ ले लेता हूँ, तुम पैकिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है पापा, उसने फोन करके पूछती हूँ। हेलो आशा, तेरे पापा ने हाँ कर दी? मेरे पापा ने तो हाँ भी कर दी है। मेरे पापा ने हाँ कर दी। तो पैकिंग कर ले, मैं भी पैकिंग कर लेती हूँ। ओके आशा, बाय। हेलो। हाँ सर, आपकी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई है, शहर में एक बीमारी फैल रही है, इसलिए आपको तुरंत कल ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है मैं आ जाऊँगा। ओके बेटा, इधर आना तो। हाँ पापा। बेटा मेरी छुट्टियाँ कल कैंसिल हो गई है, इसीलिए मुझे कल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ओहो पापा प्लीज, आप मत जाना। बेटा मुझे जाना होगा। ठीक है पापा। और तुम अपना ख्याल रखना। ओके पापा, बाय। हेलो, मुझे कुछ दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। नहीं सर, सॉरी सर, अभी किसी को भी छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी फुल स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने सबकी ड्यूटियाँ लगा दी है। ठीक है मैं कह रही। बेटा मेरी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, मुझे तुरंत ही ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। ओहो पापा मत जाना। बेटा मुझे आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ, बाय। आशा को फोन करती है। हेलो आशा, मेरे पापा की ड्यूटी लग चुकी है, उनकी छुट्टियाँ कैंसिल हो चुकी है, अब अपन घूमने नहीं जा पाएंगे। हाँ निशा, मेरे पापा के भी ड्यूटी लग गई है, वो ड्यूटी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें भी घर पर ही रहना चाहिए। और तू घर से बाहर मत निकलियो, तू भी अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। ओके बाय। पिता ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं फिर कुछ दिन बाद। लगता है मुझे भी वो बीमारी हो चुकी है, मुझे जांच करानी होगी। चलो रुको 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 रुको, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका मास्क कहाँ है? हैं? और हेलमेट भी कहाँ है आपका? अरे सर क्यों परेशान कर रहे हो, चुपचाप से एक तरफ बैठे रहो। जिम्मेदारी है हमारी, हम भागते कभी नहीं, आप अपनाइए अपना तरीका सही। अच्छा अभी बताते हैं हम हमारा तरीका। आ, मेरी जांच का क्या हुआ? सर आपकी जांच पॉजिटिव आई है, इसलिए आपको 1 महीने के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया पापा को कॉल करे हुए, कॉल करके देखती हूँ। हेलो पापा, आप कैसे हो? आई मिस यू। मिस यू बेटा, मैं ठीक हूँ। पापा बहुत दिन हो चुके हैं, आप कब आओगे? बेटा मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए मैं 1 महीने के लिए क्वारंटाइन पे हूँ। पापा आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना और सब जाने मिलके घर पे ही देना। ओके बाय पापा, आई मिस यू। हेलो, आप मास्क थोड़ा ऊपर करिए। ठीक है सर। सर पर आपके चोट लग रही है, फिर भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो। कटे चाहे हाथ चाहे सिर हमारा, देश के खातिर नहीं बदले का जज्बा हमारा। हेलो, ये आपने सामान मंगाए थे ना, ये आपके सामान। अरे आपके सर पे तो चोट लग रही है, फिर भी आप घर घर जाकर सामान पहुंचा रहे हो। आपकी सुरक्षा का हमें रखना है ध्यान, इसीलिए हम घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं सामान। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से हमें घर बैठे सामान मिल रहा है। जल्दी दो। आप सब ये पास पास में लगे हुए हैं लॉकडाउन में भी, ये कैसी लाइन लगा रखी है आपने, ये गोले दिख नहीं रहे आपको? जिम्मेदारी है आपकी, आपको भी निभानी, गोलों में रहकर ही सामान की टोकरी है आपको उठानी। अरे सर हमें माफ कर दो, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लीज घर में रहिए, घर में रहिए प्लीज। सर आप घर से इतनी दूर हो, क्या आपको घर की याद नहीं आती?
अभी घर पे रहना ही है सुरक्षित आपका। हम तो फर्ज निभा रहे हैं, इसलिए दूर है अपने घर का रास्ता। एक महीना हो चुका है, पापा अभी तक नहीं आए, फोन करके देखती। हेलो पापा। हाँ हेलो बेटा। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो गए? हाँ बेटा। जल्दी से आ जाओ। बेटा मैं तो यहाँ पे ही आ गया। अरे बेटा मैं तो आ गया, मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिल गई है। पापा तो रखते हैं हमारा ध्यान, इसलिए करो उनका सम्मान। ये शिक्षा मिलती है हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।